विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील पाल। कौन बनेगा मेयर शो में हम अजमेर शहर के वार्ड में जा रहे हैं, आपके घर तक आ रहे हैं आपसे जानने के लिए आखिरकार आपके वार्ड पार्षद ने क्या काम किया इन 4.5 सालों के कार्यकाल के अंदर। आज वार्ड 12 के अंदर हम आए हैं और वार्ड 12 आपको घुमाएंगे। वार्ड 12 से वार्ड पार्षद हैं रुचि श्रीवास्तव। रुचि श्रीवास्तव की 2019 में ही शादी हुई है और शादी के चलते अब फिलहाल उनकी माँ कौन बनेगा मेयर शो के रिक्शे पर हमारे साथ सवार हैं, भारती श्रीवास्तव। भारती श्रीवास्तव इससे पहले पार्षद रही हैं और ये अपनी बेटी जो कि फिलहाल वार्ड पार्षद है उनका पक्ष रखेंगी, क्योंकि रुचि इस वक्त फिलहाल बाहर है और उनके बाहर रहने के चलते हमने भारती श्रीवास्तव को बुलाया है और इनके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वार्ड 12 में कौन कौन से विकास के काम इनके माध्यम से कराए गए हैं। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड 12 के अंदर कौन कौन सा एरिया है जो आपके क्षेत्र में आता है। देखिए, पहले तो मीडिया के माध्यम से सभी को अपना नमस्कार कहना चाहूँगी और आप सबका भी स्वागत करना चाहूँगी जो आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि जनता भी इस चीज़ को देखती है और हम जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हम लोग जो काम कराते हैं वो आप लोग मीडिया के द्वारा सबको दिखाते हैं और उसमें हम लोगों को भी अच्छा लगता है और जनता को भी अच्छा लगता है। दूसरा, ये आपने पूछा कि वार्ड 12 में ये जो करुपकांडी है वहाँ से लेके आप केसरगंज की तरफ जब उतरेंगे टीकमगंज आएगा जो जैन समाज का इधर एरिया है, टीकमगंज से चटाई मोहल्ला और चटाई मोहल्ले से गोल लाल गोटी घूमते हुए मेरा जो ये वार्ड नंबर 12 है ये गांधी भवन तक आता है जो अभी इस वक्त 12 वार्ड है जो अब नया 16 होगा। तो ये अब 12 वार्ड है वो अब गांधी भवन तक है। इसमें मदार गेट भी आता है और पड़ाव क्षेत्र आता है, उसली गेट आता है, रामायण मंडल आता है, इधर से लेते हुए चटाई मोहल्ला, चांद बावड़ी, केसरगंज, पूरा एरिया इसमें आता है। अच्छा, पहले एक बात और, क्योंकि जब दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनके मन में जिज्ञासा इस बात की होगी कि रुचि श्रीवास्तव वार्ड पार्षद है और आपने बैठा भारती श्रीवास्तव को लिया। वो पार्षद थी मैं और रुचि श्रीवास्तव आज भी है, लेकिन एक्चुअली क्या कल ही उनका रिजर्वेशन था, वो निकली है अगर उसकी शादी हो गई है 2 साल पास में ही है तो अभी तक वो वार्ड में ही रहती है। कभी ये नहीं कि यहाँ से कहीं छोड़ के जनता को जाती है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच आता है चुनकर तो वो कुछ सोच समझ के जनता उनको चुनती है। तो रुचि श्रीवास्तव आज भी शादी होने के बाद भी केसरगंज में उनका ससुराल है और कल उनका रिजर्वेशन था। अगर आपको हमको पता होता कि मीडिया वाले चाह रहे हैं तो आज ना करके वो आगे का रिजर्वेशन करा लेते। अच्छा, अब ये बात बताइए मुझे कि 4.5 साल पहले, क्योंकि बहुत टक्कर हुई, पहले आप लड़ना चाहती थी चुनाव लेकिन फिर आपने रुचि को उतारा, क्या सोच के आपने रुचि श्रीवास्तव को राजनीति के उसके अंदर कदम रखने के लिए बोल दिया? क्या रुचि की था इंटरेस्ट उनका राजनीति में आने का या नहीं? ये ऐसा है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। मेरा टिकट फाइनल हो गया था, 1 घंटे के अंदर टिकट काटा गया है। वो क्या परिस्थिति हुई, कौन क्यों काटा, ये चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती और हो सकता है रुचि का भाग्य मेरे से ज़्यादा तेज हो, क्योंकि राजनीति में भाग्य है जो साथ देता है। तो इस वजह से जब टिकट कटा तो उसके बाद ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन जब कहते नहीं है बेटी घर की लाज रखती है और जनता ने एकदम घर पे आके धरना दे दिया, नहीं लड़ेंगी तो आप ही लड़ेंगी। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि वार्ड नंबर जो केसरगंज है जो पहले 17 वार्ड हुआ करता था, तो मेरा भी नारा था वार्ड 17 कांग्रेस को खतरा, तो मेरे टाइम पे वास्तव में कांग्रेस को खतरा था और हमेशा है। तो इस चीज़ को लेकर जब रुचि को लड़ाया गया तो पब्लिक ने जब टिकट कटा तो इस चीज़ को लेकर जनता इतनी घर पे आ गई, मेरे बस्ती वाले जो कि मुझे सभी लोग बहुत चाहते हैं, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए भाभी जी चुनाव आप ही लड़ेंगे, क्योंकि भाभी जी का एक नारा लगा रखा है, एक कचौड़ी एक समोसा भारतीय भाभी का पूरा भरोसा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक मेरे को प्यार से, मतलब आप छोटे से बच्चा भी चल रहे हैं, आप बस्तियों में भी देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे और एक 90 साल की बुजुर्ग महिला वो मुझे लाडीसा या भाभी जी ही कहेगी, तो ये भी उनका प्यार है। तो उन्होंने कहा नहीं लड़ना है तो आपको ही लड़ना, नहीं तो रुचि को लड़ाओ, हम किसी और को नहीं देंगे। उन्होंने काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ उन जनता में और जो लोग आए टिकट लेकर मेरे वार्ड में बीजेपी से कांग्रेस से, तो उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी करी, उनकी मालाएं तोड़ दी, नहीं हमारी भाभी का अधिकार कैसे ले लिया। इस चीज़ को लेके अपन ने देखा कि ठीक है वार्ड अपन ने इतना काम करा है इसमें, इतने साल तक करा, 5 साल करा और अभी का भी पब्लिक भी चाह रही है, तो इस चीज़ को देख के हमने रुचि श्रीवास्तव को चुनाव। चलिए, अब ये जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन 4.5 साल के कार्यकाल में
रुचि ने कौन कौन से फंड से अपने खुद के विधायक कोष से कौन कौन से विकास के कार्य काम कराए और कितनी लागत के कराए? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये चटाई मोहल्ला है, तो चटाई मोहल्ले में हमारा ये जो एरिया है उसमें सारे चटाई वाले रहते हैं। तो यहाँ पर जो रोड बनी दिख रही है आपको, ये भी रुचि श्रीवास्तव के कार्यकाल में अपने MLA कोटे से हुई थी। ये मेरे सारे चटाई वाले हैं, तो ये मेरी बस्ती है, ये जो भी कुछ है ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि आज जो मेरी जनता है मुझे प्यार करती है और इनकी इच्छा के अनुसार जो हमने रुचि को जिताया, तो आज ये यहाँ पर खुली सांस ले रहे हैं। क्योंकि एक अपना व्यक्ति आता है तो उससे ये फर्क पड़ता है कि आज़ादी फुल मिलती है। तो आज ये, आज कोई दूसरा आता पता नहीं इनको ऐसे बैठने देता नहीं बैठने देता, व्यवस्था रखता है, कभी थोड़ी बहुत थोड़ी गड़बड़ा भी जाती है, तो उसमें वो आज़ाद रह रहे हैं, साफ़ सफाई भी रखते हैं। तो ये रोड हमने यहाँ पे बनवाई थी, क्रॉस बनवाए हैं, नालियाँ बनवाई हैं, ये सारे काम। और जैसे नाले का है, आज अभी आप आगे जा रहे हैं हमारा सीताराम बाजार आ रहा है, तो सीताराम बाजार में आप जो डिवाइडर देख रहे हैं ये मिनी गौरव पथ कहलाता है मेरे यहाँ सीताराम बाजार में, ये अभी मैंने नगर निगम से ही बनवाया है, जो कि हमारे माननीय मेयर साहब धर्मेंद्र गहलोत जी है, उनसे मैंने आग्रह किया था कि हर जगह अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर ये टूट फूट काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस काम को मैंने करवाया है। ये रोड है, तो अभी जो रोड बनी थी MLA कोटे से रावण मंडल की से लेके यहाँ तक हमने रोड बनाई थी, तो रोड में अभी थोड़े से गड्ढे हुए जो बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गए हैं, अब वो उसके लिए भी अपन ने आगे दे रखा है, माननीय हमारे देवनंद जी जो मंत्री MLA साहब हैं उनको हमने दे रखा है, तो अब वो पास हो गया है, तो नाप तोल तो हो चुका है, वो भी अभी ये रोड बनने वाली है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Kyunki yahan par transport nagar ka jyada tha. तो लाल कोटी से जैसे आपने देखा ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पे उस वजह से टेम्पू ट्रैक्टर जैसे रोडें भी बनती हैं नाले बनती हैं, तो ये गाड़ी वाले मानते नहीं है, ये तो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उस वजह से भी काफ़ी परेशानी हम लोगों ने उठाई, लेकिन कैसे भी करके अपनी काम करवाया। यहाँ एक मेरे भील बस्ती है अंदर, तो भील बस्ती के अंदर एक उनका नाली में पानी का निकास नहीं हुआ करता था, जो मैंने अपने कार्यकाल में भी करवाया था। आज उनकी 100 साल हो गए समझो जब से उनके, कभी आज तक इतने नेता आए लेकिन कभी किसी ने ये नहीं करा कि उनका नाली का पानी का निकास हो जाए तो बनवाए, जो कि मैंने मेरे कार्यकाल में बनवाया था, और उसके बाद अभी रुचि के कार्यकाल में भी यहाँ पे रुचि ने वो नाली वापस रिपेयर करवा के और अच्छी करा दी, जो आज उस चीज़ से उनको निजात मिल गई है। आज उनका जो पानी जो भर के गड्ढों को नहा के गड्ढे भर के जब वो डालते थे बाहर निकालने जाते, तो उस चीज़ को अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान नहाएगा फिर पानी भर के बाहर डालेगा तो उसको कितनी परेशानी होती है। तो आज वो मेरी भील बस्ती है, मेरी लोहार बस्ती है, जैसा आप देख रहे हैं मेरे एरिया में बस्तियाँ है थोड़ा, तो आज इनको संतुष्टि है कि अपन ने जो काम करा है उनको संतुष्टि है। और जिस चटाई मोहल्ले से अपन आ रहे हैं, चटाई मोहल्ले में हमने देखा है सड़कों के ऊपर लोग बैठ के काम कर रहे हैं, कोई शिकायतें नहीं आती उनकी आपसी तालमेल के साथ काम हो रहा है या बाकी शिकायतें लोगों की आई हैं? क्योंकि कई जगह ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी सड़क के ऊपर कब्जा कर रहा है, छोटे छोटे आपके इलाके में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मजदूरी करते हैं, इन लोगों के मसले कभी आप लोगों के पास में? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ जनप्रतिनिधि जो भी बने थोड़ी सी इंसानियत अपने में जिंदा रखें, क्योंकि आज ये व्यक्ति जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो जो काम कर रहे हैं, आज जैसे छाबड़ी वाले हमारे हुए, चाहे हमारे लोहार लोग हुए, चाहे कोई भी छोटा व्यक्ति हुआ जो हमने छोटे स्तर से काम करता है, तो आज वो हर प्रॉब्लम को हमारे पास लाएगा और एक बिंदास मेरे घर में आके वो अपना काम करवा जाता है। आज वो बड़े MLA तक मंत्री तक नहीं जा सकता क्योंकि उनकी वो लोग नहीं भी मिल पाते हैं, तो वो हमारे पास ही आएंगे, तो इस चीज़ को लेकर उनकी सुविधाएँ रहती हैं, तो उनको मैं नहीं चाहती कि किसी के पेट पर हमारी वजह से लात पड़े। आज जैसे आपने देखा टोकरी वाले टोकरी बना रहे थे, तो टोकरी बनाते बनाते टोकरी जो बना रहे हैं और टोकरी बना के उनकी जो एरिया है, जो उनका एरिया है वो टोकरियों का है, मतलब सारे वही लोग रह रहे हैं। व्यापारी लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, देखो इनके सभी एक लोग हैं, ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से अगर इनको परेशानी होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि तो व्यापारी लोग भी अच्छे हैं, इस चीज़ को लेकर कॉपरेट करते हैं। ये मेरा आ गया रावण की बगीची नाले पर, ये हमारे यहाँ पे भी खड्डी बस्ती के लोग भी रहते हैं और भी जनरल कास्ट रहती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जनरल व्यक्ति मेरे यहाँ रहते हैं, कुछ बस्तियाँ हैं। ये नाले की डोली आप देख रहे हैं, ये भी मैंने अभी बनवाई थी, रुचि श्रीवास्तव ने अपने बजट से बनवाई थी,
नगर निगम से माननीय मेयर साहब से कहकर ये बजट पास करवाया। अच्छा, हम कई इलाकों के अंदर जब हम गए तो नाले की बड़ी समस्या आई थी कि नाले की जो सफाई होती है जी वो नहीं हो पाती है, वहाँ के लोगों ने हमको बहुत ये कहा। और अब जिस तरीके से आपने भी बाउंड्री करा दी है, क्या नाले की सफाई वाकई हो पाती प्रॉपर? क्योंकि नाले जाम हो जाते हैं जिसके कारण बारिश के दिनों में बड़ी समस्या लोगों को आती है। देखिए, ये मेरा कुम्हार मोहल्ला है, यहाँ चटाई वाले भी हैं। और रहा आप नाले की बात कह रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा जनता को भी इस चीज के लिए कहना चाहूंगी कि जब हम लोग नाला साफ करवाते हैं नगर निगम द्वारा, जब जगह जगह आपने देखा है कि आज गाड़ियां चल रही हैं, कचरा आ रहा है लेने आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सुविधाएं आज शुरू से हो रखी हैं, तो पब्लिक को भी चाहिए कि आप कचरा पास में नाला है तो वहां ना डालें, आप उस गाड़ी में डालें। लेकिन कई बार क्या होता है कि पब्लिक नहीं मानती है और नाले में कचरा डाल देती है, सुबह टाइम पे नहीं उठ पाते या कचरा नहीं डाल पाते। तो कुछ तो इस चीज के लिए मैं जनता को भी आपके द्वारा कहना चाहूंगी कि अपना जितना भी कचरा है पड़ोस की नाली और पड़ोस के नालों में ना डालें, जिससे कचरा इकट्ठा होता है। क्योंकि पार्षद और जो अधिकारी हो चाहे नगर निगम के कोई भी लोग हो, वो अपना एक सफाई करा सकते हैं टाइम टू टाइम, है ना। जैसे आज हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जी हैं यहाँ पर, उनको एक फोन करो, एक फोन में उनका काम होता है। तो ऐसे अधिकारी जब मेहनत कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं, तो जनता को भी चाहिए कि हमको कॉपरेट करें। तो उस चीज को लेके अगर नाले की जैसे हम लोग सफाई करा रहे हैं, उसका भी टेंडर होता है, तो उस टेंडर में कई बार ठेकेदारों की नालायकी मैं जरूर कहूंगी कि आज आपको निगम से के द्वारा ठेकेदारों को कह दिया जाता है कि आपको टेंडर पास हो गया है और इसको आप सफा करें, उसमें वो कई बार कोताही बरत देते हैं, जिसका खामियाजा अधिकारियों को हम लोगों को भुगतना पड़ जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जब भी नाला साफ होता है, मैं स्वयं खड़ी होती हूँ और स्वयं वहाँ काम करवाती हूँ। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। और आप कभी भी देखना मेरे यहाँ जब रोड बनता है, अगर वो रात को भी रोड बनाने आएंगे तो मैं रात को आपको मेरे फेसबुक पे भी दिख जाएगा, रात के 12 बजे भी रोड बन रहा है, 1 बजे बन रहा है, तो मैं मेरी पब्लिक जो मेरे कार्यकर्ता भाई लोग हैं उनके साथ खड़े होकर वहाँ पे रोड बनवा रहा हूँ। वे सकरी गली से अभी हम निकल के आए हैं क्योंकि वार्ड में ऐसी ऐसी तमाम गलियाँ हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का मसला सदन में उठा था, सदन में रुचि की उपस्थिति कितनी रही? सदन में बराबर जब जब उसकी मतलब टर्न आया जीसी का, तब तक बराबर है। और उसके अलावा भी उन्होंने अधिकारियों को, मेयर साहब को बराबर लेटर दिया, अपने वार्ड के जो काम कराने थे वो काम कराए हैं। कर्मचारियों को लेकर रुचि जी ने भी एक अभी ज्ञापन भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ये जैसे मेरे लोहार बस्ती है, रुचि ने जैसे कहा था कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम हाथ में ग्लव्स पहनने को, पैर में शू पहनने को, और इनके जो भी फैसिलिटी इनके लिए हो सकती है वो आप करें, मुआवजा उसका मायना कराना चाहिए, देखकर उनको देना चाहिए। और ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि उन्होंने जब दिया था, तो हम भी चाहते हैं कि आज हमारे कर्मचारी नाले में उतरते हैं तो उनको अगर हम लोग उस चीज़ की फैसिलिटी देंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अगर मेन लड़ाई हमारी गरीबों के कर्मचारी की रहती है, क्योंकि आज गरीब व्यक्ति और कर्मचारी हमारे जो मेहनत करते हैं, क्योंकि आज अगर एक बार भी हमारे कर्मचारी ने कहीं झाड़ू नहीं लगाई तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी वो आप जान सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि धन्यवाद है वाल्मीकि समाज को, ऐसे कर्मचारियों को जो हम लोगों का इतना ध्यान रखने के बाद, चाहे उनको पेमेंट लेट मिल रही है, इसका भी पेमेंट लेट का भी मुद्दा हमारे यहाँ उठा था कि इनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाती है, फिर भी वो लगे रहते हैं कि एक पेट ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमको करना पड़ता है। तो ऐसे कर्मचारी जो हमारे काम करते हैं उनके लिए वो सब चीज़ें होनी चाहिए, इनके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनका जो जैसे PF वगैरह और जगह भी कटता है, उनको कोई इंजेक्शन वगैरह की फैसिलिटी है, किसी प्रकार टिटनस लगना चाहिए, कल को उनके पैर में चोट लग जाए, जैसे लोहे से लग जाए, किसी चीज़ से लग जाए, इस सबकी भी थोड़ी सी सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, वार्ड 12 में सफाई कर्मचारी कितने काम करते हैं तकरीबन? अभी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी 38 हैं। 38 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे ये बताइए कि भारती श्रीवास्तव राजनीति में कैसे आई? देखिए, भारती श्रीवास्तव राजनीति में ऐसे आई कि मैं 90 में मेरी मैरिज हुई थी, मैं आपको बता दूँ, 90 में मैरिज होने के बाद 94 से, वैसे तो मैं खुद RSS से, मेरे फादर RSS में थे और ब्रदर भी मेरे वहीं थे, RSS से बिलोंग है, तो उसी फैमिली से मैं आई हूँ। डॉक्टर सूर्यदेव जी शर्मा जो DAV स्कूल है वहाँ मंत्री हुआ करते थे, उनको उस नाम से लोग जानते हैं, मैं उन्हीं की पोती हूँ, तो उस परिवार से हूँ। तो जब मैं यहाँ आई ना, तो आके मेरा क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना,
और बच्चियों को सिलाई सिखाना ये मेरा बहुत अच्छा रहता था। और बेटियों के प्रति मेरा क्रेज बहुत था शुरू से कि मेरी जो भी आस पड़ोस की बच्चियाँ थी वो सब मेरे पास आती थी, उनको सिलाई सिखाना या उनके लिए कोई सेंटर चलाना, इस टाइप के कार्य मैं करती रहती थी। जब मेरे सोशल वर्क वार्ड में करते करते धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, बच्चों की एजुकेशन होने लगी, फिर तो उसके बाद जब भी चुनाव होता था तो पार्टी से तो बिलोंग करती थी, शुरू से था मेरे उसमें उनमें ही था कि भाई आरएसएस और भाजपा का जो था, तो उस चीज़ को लेके मैं जब भी चुनाव किसी के भी होते थे अपने, तो अपन मैं उसके लिए काम करती थी। क्योंकि हमारे जो माननीय धर्मेंद्र गहलोत जी मेयर साहब हैं, सबसे पहले मेरे यहीं से हम लोगों ने सभापति बनाकर उनको भेजा था, बहुत अच्छे वोटों से जीते थे वो। तो इसी तरह से हम सोशल वर्क करते करते राजनीति में आए। और सबसे ज्यादा आपका खुद का इंटरेस्ट था आने का या किसी ने आपको फोर्स करके कहा कि नहीं? मेरा फोर्स नहीं, और मैं सबसे भाग्यशाली हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि कभी उन्होंने मेरे को किसी के लिए फोर्स नहीं करा। मेरी स्वेच्छा से आई हूँ। और कहते नहीं है जब राजयोग होता है ना तो घर में अगर रोटी बना रही होगी ना तो उस पर उठा के ले आएंगे कि जब टिकट लेने वाला वार्ड में जब कोई नहीं होगा ना तो कहेंगे तेरे को टिकट मिल रहा है जल्दी उठ क्योंकि तेरी उसके सीट आ गई है। उस प्रकार से मेरा भी ऐसे ही था, करते करते सेवा अपने आ गए और आते आते अपना राजनीति में आके एक बार ऐसे ही हुआ कि माननीय मंत्री जी ने देवनंद जी ने कहा कि भाई आपको अगर वार्ड से टिकट दे दिया जाए तो देख लीजिए भाई साहब आपको जैसी इच्छा हो, लक्षण आदेश करेगा मैं स्वीकार करूँगी। मुझे टिकट दे दिया गया और मैं उसमें मेरे सामने हमारे निर्मल जैन हैं, वार्ड नंबर जो पास में पहले 15 हुआ करता था उससे लड़े थे और मैं अपने वार्ड से लड़ी थी तो काफी अच्छे वोट जनता। अच्छा भारती जी, आज भी आपके वार्ड में आधी सड़क तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, लेकिन जैसे अभी हम आ रहे हैं है ना, और जितने खट्टे मुझे फील हुए अभी, ये एक बड़ी समस्या मुझे लगता है नजर आ रही है और शायद जनता नहीं आ पाई हो किसी कारण से मुझे लगता है, लेकिन ये आपके वार्ड में समस्या है। जनता को मेरे तक आने में कोई समस्या नहीं आती है। भारतीय श्रीवास्तव के घर जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं, आप कभी भी देख लीजिए। मेरा मोबाइल उनके लिए खुला है, आप चाहें जिस घर जाके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक इवन मेरे हस्बैंड जो घर में भी सेवाएं जनता को दे देते हैं, कभी भी जनता आती है तो बैरंग नहीं लौटती उनकी। जैसे पेंशन की समस्या हो, राशन की समस्या हो, अगर मैं नहीं मिल पाती हूँ तो उस समस्या को वो भी दूर करते हैं। तो रहा आपने सवाल करा कि गड्ढे का, तो रोड के गड्ढे, जो रोड के गड्ढे आप देख रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि रोड जो बनता है उस समय कई बार क्या होता है जो हमारे ठेकेदारों के द्वारा जो इन चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-448-2312.